अस्सलाम वालेकुम जी सर, मेरे पास ये एक मॉडल है ST 102 प्लस, चाइना का इंडिकेटर है, ये रिपेयरिंग के लिए आया है। इसका ये बोर्ड जो है ये डेड हो गया हुआ है, ये ऑन नहीं हो रहा। इसका ये आईसी वगैरह फारग हो गए हैं और ये ओके नहीं, किसी ने इसको 220 दिया है डायरेक्ट, ये ख़राब हो गया था। फिर मैंने इसकी जो है ना किट चेंज कर दी है, इसको मैंने चेंजिंग की है, इसमें थोड़ी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये मैंने इसके अंदर बोर्ड दूसरा वाला लगा दिया है और इसकी ये कनेक्शन वायरिंग कर दी है। चलें अब हम इसको ऑन करके इसकी कैलिब्रेशन करते हैं। इसका पीछे एक बटन है ऑन ऑफ़ का, उसको हमने ऑन किया और साथ ही ऑन करने के सेट और एरो वाला निशान को प्रेस कर देना है। तो ये इसका स्पैन वेट शो हो रहा है, हमने इसके ऊपर स्पैन वेट देना है। ये मेरे पास एक 1 kg का वेट है, लेकिन हम इसको 10 kg तसव्वुर करते हैं, हम इसके ऊपर रख देते हैं और यहाँ से हम इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ये इधर 20 kg शो हो रहा है, हमने इसको 10 kg इधर लाना है। ये आ गया जी 10.0, यानी ये इसके केजीज़ हैं और ये आगे इसके ग्राम हैं, यानी जिसको डिवीज़न कहते हैं। इशारे के बाद 10 हमने चलाना है इसका। फिर हमने इंटर किया, ये इसकी फुल कैपेसिटी है, इसकी फुल कैपेसिटी जो है वो 500 kg है। हम यहाँ से इसको चेंज करेंगे, हम इसकी फुल कैपेसिटी जो है वो 300 kg रखेंगे। उसके बाद हम इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो इसके ये डेसिमल पॉइंट्स आ जाएंगे जहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने इसको 100 ग्राम पे चलाना है तो इसका जो डेसिमल पॉइंट है हम 1 रखेंगे ताकि इशारे के बाद 10 शो हो। फिर हम इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो इसकी डिवीज़न शो होगी। डिवीज़न जो है वो इसकी आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसको 100 ग्राम पे चलाना है तो हम इसको 1 लिखेंगे और इंटर का बटन प्रेस करेंगे। इंटर का बटन प्रेस होते ही ये कैलिब्रेशन ओके हो गई है और ये 10 kg ठीक बता रहा है। ये हम